बाबा हमें आपसे गले मिलना है, आओ भाई मिलो आके आओ। अब बाद में नहीं मिलेंगे, किसने सिखाया बोलो तुमको, ये किसने सिखाया बता दे, नाम बता दे। है? है? अपने आप ही गले मिलना अभी अभी है, है। सदगति में और स्वर्गवासी बनने में अंतर क्या है? पहले सदगति होगी कि पहले स्वर्गवासी बनेंगे? है, पहले सदगति होगी। और सदगति ज्यादा लोगों की होगी 100% के लगभग, या स्वर्ग में ज्यादा लोग जाएंगे? है, है? 100% के लगभग सदगति बताई है? है, जो आत्मा है आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, पूरे 21 जन्म लेती है, संगम युगी स्वर्णिम युग की प्राप्ति करती है, चढ़ती कला में जाती है, राधा कृष्ण जैसे बच्चों की पैदाइश करती है, उनकी है संपूर्ण सदगति। और बाकी जो स्वर्ग में आवेंगे उनकी संपूर्ण सदगति नहीं कहेंगे, उतरती कला की सदगति है। माउंट आबू में जाए बगैर सदगति नहीं होगी है? होगी कि नहीं होगी? कम से कम मन बुद्धि से तो माउंट आबू में रहना पड़े। सारी दुनिया की सदगति होगी या नहीं होगी? कैसे होगी? मन बुद्धि से कम वो आत्माएं पैराडाइज को याद करेंगी, जन्नत को याद करेंगी, बाप को याद करेंगी। तो उनकी गति होगी और साथ में सदगति भी होगी। और काशी नगरी में जाए बगैर स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। तो पहले कहां जाना है? पहले माउंट आबू जाना है कि पहले काशी नगरी में जाना है? है? काशी नगरी में क्यों जाना है? काशी तेजी रहेगी तो बुद्धि टिकेगी कैसे प्रमाण? है, काशी माना याद की तेज है ना, याद की तेजी नहीं रहेगी तो फिर माउंट माया की नगरी में चले जाएंगे तो क्या होगा? है, बुद्धि परमधाम जो चैतन्य परमधाम है वहां पे स्थिर नहीं हो पाएगी ना, उन्नति नहीं हो पाएगी, स्थिर बुद्धि की एकाग्रता नहीं बन पाएगी ना, जो माउंट आबू में स्थिर होने की बातें हैं चैतन्य माउंट आबू में वहां नहीं हो पाएगी। जो आत्माएं सूर्यवंश में जाने वाली हैं, सूर्यवंश की पक्की बनेंगी, उन सूर्यवंशी बनने वालों की लिस्ट कितनी होगी? है, एक
सूर्यवंशियों की लिस्ट टोटल कितनी होगी? नौ लाख सितारे तो आसमान में गाए जाते हैं, उसमें रात में चमकने वाले सितारे नहीं है। कितने बाकी दिन वाले हैं, सूर्य की रोशनी में चमकने वाले नहीं है, लेकिन अपनी सारी चमक को, अपनी सारी महिमा को काये में तिरोहित कर देते हैं, बाप सूर्य में तिरोहित कर देते हैं। बाप का मर्तबा सो मेरा मर्तबा, ऐसी 4.5 लाख आत्माएं, उनका संगठन और संगठन सूत्र एक हाथ में होगा। और नौ से 12 साल के बीच की उम्र वाले बच्चे मना बिना भट्टी के हैं। 9 साल का बच्चा कुछ समझता नहीं है ज्ञान को, वो भी समझता है। बाबा ईमेल में पॉइंट आया है, कि सरेंडर होने के बाद घर जाने का संकल्प करने वाले, घर जाने का संकल्प करने मात्र से ही माला का मणचा नीचे गिर जाता है। तो बाबा अगर किसी ने निश्चय कर लिया हो कि हम जो घर जाएंगे तो संकल्प बार बार चलेगा या नहीं चलेगा घर जाने का? हैं? चलेगा। और बाद में फिर गए नहीं, कारण या कारण, तो क्या माला के मणके में ऊपर नहीं चढ़ सकते? ऊपर चढ़ सकते? और जो संकल्प किए हैं, संकल्पों का बीज डाला है, वो कहां जाएगा? है ब्राह्मण बनने के बाद संकल्प के बीज में ताकत होती है या नहीं होती है? बीज में भी ताकत होती है, इसलिए ब्राह्मणों के संकल्प भी सोच समझ के होने चाहिए। बाबा द्वापर में जब इस्लाम धर्म आता है तो उसे तुरंत खदेड़ दिया जाता है। इब्राहिम आया, आते ही खदेड़ दिया जाएगा, अकेले ही कोई है? है, उस धर्म की संख्या बढ़ती है। द्वापर के आदि में सतो प्रधान स्टेज होती है, कोई को खदेड़ने की बात नहीं होती है। सतो प्रधान स्टेज से जब नीचे उतरते हैं तब खदेड़ने की बात आती है, तब तक इस्लाम धर्म वालों की संख्या भी बढ़ जाती है और वो दृष्टि का व्यभिचार तेजी से फैलाए देते हैं, जिसका मुकाबला सूर्यवंशी भारतवासी आत्माएं करती हैं और उन्हें खदेड़ के पश्चिमी देशों की ओर भगा दिया जाता है। तीन जटाओं वाले, तुम दो जटाएं हैं तुम्हारे कि एक है? है, तो वो तीन जटाएं, एक इधर और एक पीछे। जटा माने क्या? जैसे शंकर जी की जटाएं हैं, ऐसे ही उसको तीन ज्ञान की जटाएं हैं। पर बाबा, तुमने में ये भी बोला जो भी मैं दो
सब से मेगावाट स्वर्ग में जरूर जाएगा है? जो भी मेरे दो शब्द मेगावाट स्वर्ग में जरूर जाएगा। दो दो शब्द सुनेगा हाँ। तो फिर अगर उसमें दो शब्द सुनने के बाद पूरे कर्म करे हाँ? दो शब्द में जाएगा हाँ। नीचे नंबर का देवता बन जाएगा। अरे वहां 10 करोड़ देवताएं होंगे ना, बहुत नीचे कर्म करेगा तो 33 करोड़ नंबर में पहुंच जाएगा। कलयुग में स्वर्ग नहीं होता है, थोड़ा बहुत स्वर्ग होता है कि नहीं होता है? वहां स्वर्ग में चला जाएगा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं, अब ब्रह्मा किसके द्वारा बनता है? है शिव की प्रवेशता से ब्रह्मा बनता है। शिव की प्रवेशता से ब्रह्मा बनता है, उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। फिर प्रजापिता किसका नाम रखना पड़े? है प्रजापिता भी ब्रह्मा है। अच्छा ब्रह्मा रचना है कि रचयिता है? फिर रचयिता कौन है? रचयिता साकार होता है निराकार? आगे समझ में आया? प्रजापिता है ब्रह्मा का रचयिता, प्रजापिता द्वारा ब्रह्मा और ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। मनसा पवित्रता की परिभाषा क्या है? मनसा में श्रीमत के बरखिलाफ कोई भी संकल्प ना आए तो क्या कहेंगे? मनसा पवित्र हो गई या पवित्र है? पवित्र है। बाबा चाणक्य में सारंग राव जो है वो किसका पार्ट है? बाबा ने तो बताया, मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, न मुख से बताऊंगा न कागज पे लिख के बताऊंगा कि कौन सा पार्ट किसका है। हर एक अपनी चलन से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपने कार्य से, अपने व्यवहार से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। गणेश के सिर में मोर का पंख क्यों दिखाते हैं? गणेश ज्ञान का देवता कहा जाता है। जो ज्ञानी होता है वो पवित्र भी उतना ही ज्यादा होता है। तो पवित्र बुद्धि होने के कारण बाप का ताज गणेश के ऊपर रख दिया है भक्तों ने। बाबा राम वाली आत्मा के तन में कृष्ण की आत्मा ने कब प्रवेश किया? बताओ भाई,
हाँ हाँ, मस्तक में कब प्रवेश किया? शरीर छोड़ा था वो नक्कल। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तभी प्रवेश कर गया है? ब्रह्मा बाबा को ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा है? और चंद्रमा सदैव मस्तक पर सवार रहता है कि कभी नहीं भी होता है? है, शास्त्रों में तो दिखाया है चंद्रमा सदैव मस्तक में नहीं दिखाया जाता। जब सागर मंथन हुआ तो सागर मंथन से क्या निकला? चंद्रदेव भी निकला। और चंद्र को शंकर ने मस्तक में धारण कर लिया। और सदैव सुरक्षा का वचन दिया। तब नाम पड़ा चंद्रशेखर। तो सागर मंथन कब हुआ होगा? 68-69 से लेकर के 76 तक का जो टाइम है वो सागर मंथन का टाइम हुआ। उस सागर मंथन में विष भी निकला, वो भी शंकर ने धारण किया। और चंद्रमा निकला, वो भी धारण किया। और जब प्रवेश किया कृष्ण की आत्मा ने, तो उस आत्मा को पता था कि ये बाप है, मनुष्य सृष्टि का पिता है। और शिव पिता इसके तन में विराजमान है। ये कृष्ण की आत्मा को पता था? अगर पता ही हो जाए तो बाप की पूरी पहचान ही हो जाए। बच्चा बाप की गोद लेता है, बाप प्यार में आकर के बच्चे को सर पर चढ़ा लेते हैं। ये बच्चा बुद्धि की बात है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप के सर पर सवार होकर बैठता है क्या? तो पहचान लिया हो तो सवार होकर बैठेगा नहीं? फिर तो बैल पर किसकी सवारी होगी? है, शंकर की सवारी होगी। अभी उल्टा है। बाबा, आप कहते हो कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, अभी किसी ने पूछा था, तो 4 महीने पहले उसका पिंड तैयार होना शुरू हो जाता है। परंतु आजकल इंसान पेट में ही बच्चों को चेक करवा के मरवा देते हैं। तो फिर जिस आत्मा का पिंड तैयार होता है
वो शरीर छोड़ने पर कहां जाता है? उसकी अकाले मौत हुई या नहीं हुई? अकाले मौत हो गई, थोड़ा समय भूत प्रेत बनना पड़े, उसके बाद जन्म लेगा। बाबा, बाबा की श्रीमत जब व्यक्ति को मिलती मिल जाती है और उसके बाद तुरंत वो आत्मा एनएस से बाबा के विपरीत श्रीमत सुनती है या उसको श्रीमत दी जाती है, तो कौन सी श्रीमत माननी चाहिए? जो डायरेक्ट मिलती है वो, या जो एनएस द्वारा श्रीमत सुनाई जाती है वो? अरे बीके में नहीं ऐसा होता रहा क्या? बाबा ने कोई दूसरी मत दी है, मुरलियों में कुछ और बोला है, और दीदी दादी दादाओं के द्वारा कुछ और बात सुनाई जाती है। सुनने वाले को अगर शंका पैदा होती है तो उसका फर्ज है ना। और बड़ी बहनों से भाइयों से कंफर्म करे या तो बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन करे, वेरीफाई करे। इसलिए तो मुरली में बोला है, ब्रह्मा कुमारियों से भी जो मत मिलती है उसको बाबा से वेरीफाई करना है कि वो राइट है या रंग। बाबा नंदी को दो सिंह होते हैं, राइट और लेफ्ट। कहते हैं बैल के सिंहों पर पृथ्वी सधी हुई है, एक सिंह थक जाता है तो फिर पाला बदली करके दूसरे सिंह पर ले लेते हैं। तो नंदी को तो दो सिंह दिखाए जाते हैं, फिर भृंगी को एक सिंह क्यों दिखाया जाता है? है? अरे वो एक सिंह बीच में होता है कि दाएं बाएं ओर होता है? हैं? बीच में होता है। और भृंगी कोई बैल नहीं है, नंदी को बैल के रूप में दिखाते हैं। धरणी का कनेक्शन नंदी से है, ये धरणी जितनी जास्ती नंदी अर्थात ब्रह्मा अर्थात चंद्रमा से कनेक्टेड है उतना भृंगी से कनेक्टेड नहीं है। वो एक सिंह से ही अपने दोनों काम करता है।
लेकिन वो काम करने की भी उसको दरकार नहीं, वो असुरों के काम आता है। बाबा मुरली में आता है कि सतयुग में बच्चे योग बल से पैदा होते हैं और द्वापर कलयुग में बच्चे विकार से पैदा होते हैं। ये शूटिंग पीरियड में कैसे होता है? अभी ब्राह्मण बच्चों की पैदाइश हो रही है कि नहीं हो रही है? हैं? हो रही है, हो रही है। दो प्रकार से हो रही है या एक ही प्रकार से? दोनों माने क्या है? याद किया तो याद की केस में रहकर सेवा कर रहे हैं। अच्छी बनी हुई है तो उसमें जो सेवा करते हैं उसका फल अच्छा निकलता है। अरे मुखवंशावली और कुखवंशावली, मुख का ज्ञान सुनकर के जो तैयार होते हैं वो मुखवंशावली ब्राह्मण हैं। सतयुग त्रेता के देवताओं की शूटिंग हो रही है और जो मुख का ज्ञान नहीं सुनते हैं, चेहरे मोहरे को ज्यादा देखते हैं, देह अभिमान में फंस करके ज्ञान सुनते हैं, या ब्रह्मा का चेहरा देखते रहे या ब्रह्मा कुमार कुमारियों का चेहरा देखते रहे या कोई सुपनखा पूतना है तो ब्रह्मा कुमार का चेहरा देखती रहे। फिर जो ब्राह्मण तैयार होते हैं कुखवंशावली, वो कौन से युग की शूटिंग करते हैं पैदाइश में? द्वापर और कलयुग की शूटिंग होती है उनकी। और बाबा मुरली में कहा भारत इस समय पूरा नास्तिक है, तो वो किस हिसाब से? साकार दुख पर कोई आस्था नहीं है। भारत की चेतन भारत में साकार दुख पर आस्था नहीं है। आस्तिक माने आस्था वाला और नास्तिक माने ना आस्था। आस्था किसके ऊपर होती है? बिंदी के ऊपर आस्था कही जाए या बिंदी जिसमें कार्य करे उसके ऊपर आस्था कही जाए? कोई कहे हमें बिंदी के ऊपर आस्था है, बिंदी ही भगवान है, हम आस्तिक हैं, तो वो बात राइट है या रंग है? है रंग है। वो सिर्फ ऐसे मानते हैं कि बिंदी ही भगवान है, ब्रह्मा के तन में आके ज्ञान देती है। फिर सारा ज्ञान धारण करके हम स्वर्ग बनाते हैं। हमें उस बिंदी पर पूरा विश्वास है, वो ही भगवान है। तो श्रीमत की बात खत्म हो जाती है।
साकार पर निश्चय है तो निश्चय है। मुकर्रर रथ साकार को पहचाना नहीं और कहते कि बिंदी के ऊपर हमें पूरा निश्चय है, वही भगवान है, तो नास्तिक। प्रजापिता वाली आत्मा को किसके ऊपर आस्था है? है बिंदी के ऊपर, तो नास्तिक हुआ या आस्तिक हुआ? है नास्तिक है तुम्हारा बाप? हमारा बाप ही नास्तिक है तो हम तो जरूर। लक्ष्मी की आधी प्रजा है, हाँ। लक्ष्मी की आधी प्रजा है, हा? अरे जो नारायण की प्रजा होगी वो लक्ष्मी की प्रजा नहीं होगी? कहां से निकाल लिया, उल्टा पलटा कुछ भी बोलती रहती। नारायण को फुल बाजू दिखाई गई है, इसका मतलब है जो भी उसके सहयोगी रूपी भुजाएं हैं वो संपन्न भुजाएं हैं, और लक्ष्मी उल्लू के ऊपर सवारी करती है। उनकी अकल अधूरी है या संपूर्ण है? अधूरी अकल है, इसलिए अधूरी भुजाएं वो आस्तीन दिखाई गई है। बाबा अष्टावक्र का बेहद में अर्थ क्या है? अष्ट माने क्या होता है? आठ। और वक्र माने क्या होता है? टेढ़ा। कृष्ण को तीन जगह से टेढ़ा दिखाते हैं तो कहते हैं त्रिभंगी लाल। वो तो भगवान का पार्ट दिखाई दिया। तीन देवताओं से कनेक्टेड है, तीन देवियों से कनेक्टेड है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में देहधारी गुरुओं को भी भगवान के रूप में मानने लगे और अष्टावक्र को भी भगवान का रूप मान लिया। वो भगवान का तामसी रूप हो गया। आठ जगह से टेढ़ा। वास्तव में भगवान तो एक ही है, अलग अलग नाम दे देने से थोड़े ही हो जाता है। कृष्ण को पटरानियां कितनी थी? है नहीं, आठ। तो आठ पटरानियों की मार आठ तरह की होगी? एक ही तरह की होगी? आठ प्रकार से पिटाई होती है। ये संगम युग की बात है या सतयुग त्रेता की है? संगम की पुरुषार्थी स्टेज की बात है। तो बेचारा आठ जगह से टेढ़ा हो जाता है तो उसका नाम रख दिया अष्टावक्र।
बाबा वैज्ञानिक कहते हैं 2012 में सूर्य आग उगलेगा, जिससे सब कुछ झुलस जाएगा। बेहद में इसका क्या अर्थ है? कहते हैं ना, ये आदमी तो ऐसे बोलता है जैसे आग उगलता हो। भगवान की जो बातें एडवांस पार्टी वाले बच्चों को मीठी मीठी लगती है, कोई ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये आग उगलता है, हैं? सबको मीठी मीठी लगती है, कड़वी किसको नहीं लगती है? उनको बीके को कैसी लगती है? अरे बीके वाले ब्राह्मण हैं या नहीं है? वो भी तो ब्राह्मण हैं। उनको वो वाचा कैसी लगती है? सागर खारा भी, सागर मीठा भी, उनको उनको खारा लगता है। आगे चल करके माया जब विकराल रूप धारण करेगी प्रकृति के साथ, तो सांप का निश्चय उखड़ जाएगा। बीके वालों का निश्चय भगवान के ऊपर बैठा हुआ है या उखड़ा हुआ है? है उखड़ा हुआ है। तो उन्हें सागर खारा लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे आग उगल रहा हो। तो जब सारी दुनिया अनिश्चय बुद्धि बनेगी, बाहर की दुनिया के तो अनिश्चय बुद्धि है ही, बेसिक में अनिश्चय बुद्धि है ही, एडवांस में भी अनिश्चय बुद्धि बनने लग पड़ेंगे। तो ज्ञानपुरी की बातें कैसी लगेंगी? ऐसे लगेंगी जैसे आग उगल रहा हो। बाबा तो फिर जो स्टूडेंट होते हैं, जो ध्यान करने वाले बच्चे होंगे, वो ठीक है, बनाओ। किसी ने मना किया क्या? हाँ जी बाबा, बाबा ने बताया था नाम है क्या? वो ब्रह्मचारी थे। हाँ, वो रामकृष्ण का फॉलोअर था। हाँ, वो तो रामकृष्ण का फॉलोअर था। हाँ, तो क्या हुआ? कैसे फॉलो किए उन्होंने राम? हैं? कैसे फॉलोअर था? भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही कह देते हैं, ये गुरु का फॉलोअर है। फॉलोअर होते हैं क्या? नहीं, गुरु तो लंगोट पहन के जंगल में चला जाता है। जो फॉलोअर्स होते हैं वो गृहस्थी में बैठे रहते हैं। तो फॉलोअर हुए क्या? नहीं। बाबा, अगर कोई कन्याओं को घर जाने की इच्छा हो, आज तो बड़ी इच्छाएं हो रही। बाबा तो कहते हैं जिनको इच्छा हो, बालिग हो गए हैं, तो जैसे निश्चय पत्र लिख करके आए, ऐसे अनिश्चय पत्र लिख करके चले जाओ। कोई मना करता है क्या? पूछने की भी बात नहीं, फटाफट एफिडेविट लिखो जाओ। बाबा नहीं रोकेंगे। अगर कोई कन्याओं का घर जाने की इच्छा होती है और माता पिता दोनों भी चाहते हैं,
तो क्या लेकर जा सकते हैं? और अच्छी बात, माँ बाप ने दान किया, दान किया हुआ वापस लेना चाहते हैं, कन्या जाना चाहती है, बाबा क्यों रोकेगा? दुर्योधन दुशासन है क्या? मुरली में तो बोला है अगर एक बार दान किया और दान की चीज को वापस लिया तो चंदार बनेंगे। विश्वास है वाणी के ऊपर तो भागने की बात ही नहीं है। भगवान के ऊपर, भगवान की वाणी के ऊपर विश्वास नहीं है, अनिश्चय पैदा हो गया है तो भागने की बात होगी। सतयुग में कितनी आयु में बच्चों का जन्म होता है? तो बता दिया 60 साल के जब होते हैं तो बच्चों का जन्म होता है। लेकिन वो तो जो बात मुरली में बताते हैं वो संगम युग की बातें बताते हैं या स्वर्ग की बातें बताते हैं? लक्ष्य कहाँ का देते हैं? है? लक्ष्य तो स्वर्ण संगम युग का देते हैं। सतयुग की बातें डायरेक्शन के रूप में नहीं बताते। सतयुग भी स्वर्ग की जो बात है वहां की बात तो अलग है। वहां तो बच्चे जन्म लेंगे और माँ बाप शरीर छोड़ के चले जाएंगे। सूक्ष्म शरीर का निर्माण प्रकृति के कौन से तत्वों से होता है? तत्व तो स्थूल होते हैं या सूक्ष्म होते हैं? स्थूल होते हैं। शरीर तो लाइट का है, काशी नगरी अलग और एनएस अलग है क्या? अरे अब अलग होगा तो कंट्रोल अलग अलग हो जाएगा या एक से कंट्रोल होगा? है अलग अलग हो जाए, अलग होने की तो बात ही नहीं। एनएस को नई दुनिया का फाउंडेशन का है, नई दुनिया तो नहीं का है। तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? फाउंडेशन में और जो बिल्डिंग खड़ी होती है उसमें अंतर नहीं होता है? है? बहुत अंतर होता है। शास्त्रों में एक दुर्वासा ऋषि का नाम आया है। कहते उनको भोजन में विष दिया जाता था लेकिन वो उसे भी हजम कर जाते थे।
तो ब्राह्मणों में दुर्वासा ऋषि की शूटिंग कैसे होती है? दुर्वासा किसका बच्चा था? है? अरे अरे दुर्वासा किसका अवतार था? शिव का अवतार था। कौन से धर्म से कनेक्टेड होगा? है अरे क्रोधी धर्म कौन सा है? पटाख से क्रोध आ जाता है, लेकिन उनका क्रोध है कारण से होता था या अकारण होता था? कारण से होता था। वो गलतियां सहन करने के आदि नहीं थे, और गलतियों का परिमार्जन भी बाद में नजर आता है। आत्मा की कुंडलनी शक्ति क्या होती है, उसे कैसे जागृत किया जाता है? कुंडलनी शक्ति कुछ भी नहीं होती है। मनुष्यों में जो रजवीरी की शक्ति है, जो नीचे जाने की आदि हो गई है त्रिसर्जनम में, वो शक्ति ही कपाल में चढ़ने लगे, ऊर्ध्वगामी हो जाए, निम्नगामी न रहे, वो ही कुंडलनी शक्ति जागृत होना है। वार्तालाप में बोला है श्रीमत के पर खिलाफ काम करना माना भक्ति मार्ग, और जिसके अंदर भक्ति मार्ग का संस्कार होगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन 100% श्रीमत पर चलने वाले बहुत कम है। तो भविष्य में ऐसा ही रहेगा कि चेंज आएगा, चेंज आएगा, 100% श्रीमत पर चलने वाले ढेर के ढेर निकलेंगे। अगर निकलेंगे नहीं तो बाप के बच्चे भी नहीं बनेंगे। बाप के बच्चे नहीं बनेंगे तो उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। अभी भी जिनके भक्ति मार्ग के कोई प्रकार के संस्कार 100% प्रबल हो जाते हैं तो अभी भी उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। बाबा देवदेव शनिदेव कहते हैं, ऐसा कहते हैं क्या? है देवदेव महादेव कहा जाता है। कोई शनिदेव का पुजारी होगा तो उसने देवदेव शनिदेव, जबकि असली गायन तो देवदेव शंकर का है, महादेव का है। फिर शनिदेव को इतना काला क्यों दिखाते हैं? जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनमें राहु के बाद तमो प्रधानता ज्यादा किसकी है? शनिदेव की। शनि की दशा और राहु की दशा सबसे खराब दशा मानी जाती है, इसलिए उनको काला दिखाते हैं। ओम शांति।